हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज़ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मिट्टियों गार्डन, एपिसोड नंबर 11। एपिसोड 11 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दामिंगसी जो होता है वो डिसाइड कर लेता है कि वो सब कुछ छोड़ के लंदन चला जाएगा, क्योंकि जो दामिंगसी की मम्मी होती है वो चाहती है कि उनका बेटा जो है वो लंदन में रहे। दामिंगसी जो होता है वो डिनाई कर रहा होता है कि वो संजय की वजह से नहीं जा रहा है। वो अपनी बहन को बताता है कि जब उसने गेम ऑफ ब्रिज कॉम्पिटिशन खेला था उससे पहले ही उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो यूके जाएगा। जैसे ही संजय को पता चलता है कि दामिंगसी जो है वो क्विट करने वाला है स्कूल को और वो लंदन जाने वाला है, तो संजय जो होती है उसको इमिडिएटली कन्फ्रंट करती है और उससे पूछती है कि वो उसे बिना बताए ही कैसे जा रहा है। और वहीं दिखाया जाता है कि दामिंगसी जो होता है वो उसे कहता है कि वो वहाँ जाके किसी गोरी लड़की को डेट करेगा, और वो उसे कहता है कि संजय जो है वो फ्री है, कि वो डेट कर सकती है हौजले को शांति से। दिखाया जाता है कि दामिंगसी जो है वो संजय की नई वर्क प्लेस में जाता है जहाँ पर वो काम कर रही होती है ताकि वो उसे गुड बाय कह सके। दिखाया जाता है वहाँ पर दामिंगसी जो होता है वो सब कुछ ऑर्डर कर देता है फ्रैंकी रेस्टोरेंट में ताकि वो संजय से मिल सके, और वो स्टाफ को डिमांड करता है कि वो संजय से मिलना चाहता है। वहीं स्टाफ उसे बताता है कि उसे वेट करना पड़ेगा जब तक संजय जो है वो अपने काम से ऑफ नहीं हो जाती और उसके बाद वो उससे बात कर सकता है। दिखाया जाता है कि जो हॉट टेम्पर्ड दामिंगसी होता है वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है त्याने को, जिसे देख के संजय जो है उसे कहती है वहाँ से जाने को। दिखाया जाता है कि दामिंगसी जो होता है वहाँ से गुस्से से बाहर चला जाता है और वो डिक्लेयर करता है कि वो कभी भी वापस अपने कदम जो है वो संघाई में नहीं रखेगा। वहीं मिंगदे यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजेंड जो होती है वो संजय को बताती है कि उसे दामिंगसी ने क्या कहा था जब वो उसे अपने घर ले गई थी। वो बताती है कि दामिंगसी ने उसे कहा था कि जो संजय है वो कभी भी अपने हार्ट को बिट्रे नहीं कर सकती है। दिखाया जाता है कि जिस दिन दामिंगसी जो होता है वो डिपार्चर कर रहा होता है, संजय रिफ्यूज़ करती है उसे सी ऑफ करने के लिए। बोर्डिंग से पहले हौजले जो होता है उसके कानों में कुछ कहता है जो हमें सुनाई नहीं देता है, लेकिन उसको सुनने के बाद जब दामिंगसी प्लेन में बैठा होता है तो वो बहुत गुस्से में नजर आता है और वो हौजले को बुरा भला कहता है। दिखाया जाता है कि दामिंगसी अटेम्प्ट करता है प्लेन से उतरने को, तभी उसकी बहन को दिखाया जाता है जो उसे वहाँ पर बेहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है संजय का जो कि वॉक कर रही होती है और अपने ख्यालों में खोई होती है, जो सोच रही होती है कि मैं जो हूँ मैं कभी भी दामिंगसी को पसंद नहीं कर सकती। दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लंदन में पहुँच जाते हैं अपने घर में, दामिंगसी जो होता है वो अपनी बहन को कहता है कि वो शंघाई वापस जाना चाहता है। दिखाया जाता है कि उसकी बहन उसको बीटअप करना चाहती है और कहती है कि उनकी मम्मी ने उसे ऑर्डर किया है कि जो दामिंगसी है वो यहाँ पर रहे। तभी दिखाया जाता है कि दामिंगसी को हौजले की वो बातें याद आती है जो उसने उसको एयरपोर्ट में कही थी। हौजले ने दामिंगसी को बताया था कि जो संजय है वो असलियत में किसे चाहती है। दिखाया जाता है दामिंगसी जो होता है वो संजय को मिस कर रहा होता है, इसीलिए वो उसके रेस्टोरेंट फोन करता है और वो उससे झूठ बोलता है कि वो उसका पापा है। संजय जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और फ़ोन को डिसकनेक्ट कर देती है। दिखाया जाता है कि दामिंगसी जो होता है वो फेंगजुआ जॉन रेस्टोरेंट जाता है, क्योंकि जो वहाँ की ओनर यूजी होती है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। दिखाया जाता है यूजी उसके लिए स्वीट और सॉर रिब्स बनाती है, जिसकी वजह से उसे संजय की याद आती है, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी थी स्वीट और सॉर रिब्स बनाने में। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तानी जो होता है वो कुक कर रहा होता है लॉबस्टर थर्मिडोर, क्योंकि जो किचन गार्ड होता है उसको एग्जामिन करने आने वाला होता है। दिखाया जाता है कि जो प्रोसेस होता है उसको कुक करने का वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो आसान हो सकता है अगर उसे कहीं से शेनवे लीव्स मिल जाए। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है त्याने जो होता है वो सूप को मैसअप कर देता है, तो संजय जो होती है वो जाती है शेनवे लीव को लाने के लिए उसके लिए।
दिखाया जाता है शेंचे जो होती है शेनोंगजोंग जाती है और वहाँ पर वो शेंगवे लीफ को खरीदती है जो कि आखिरी ही बची होती है। लेकिन दिखाया जाता है जैसे ही वो वापस आ रही होती है वो एक इलेक्ट्रिक कार से टकरा जाती है जिसकी वजह से शेंचे की जो लीफ होती है वो सारी की सारी टूट जाती है। दिखाया जाता है कि एक ओल्ड लेडी वहाँ से पास कर रही होती है जो शेंचे की मदद करती है और उसे वे लीफ देती है। शेंचे जो होती है रेस्टोरेंट वापस आती है और जो लीव्स होती है वो ताने को देती है। दिखाया जाता है ताने जो होता है वो लॉबस्टर टर्मिडोर बनाता है और उसे प्रेज मिलता है किचन के गॉड क्वेंसू से। तो त्यानी जो होता है वो सोचता है कि वो इस डिश को कंप्लीट कर पाया सिर्फ शेंचे की हेल्प की वजह से। त्यानी जो होता है वो शेंगवांग जोंग जाता है ताकि वो मसाले खरीद सके और उसे वहाँ पर शेंचे का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जो कि उसने शॉप पे ही रख दिया था क्योंकि उसके पास पिछली बार पैसे कम पड़ गए थे जब वो वे लीफ खरीदने गई थी। तभी वो ओल्ड लेडी जो होती है शॉप की वो उसे बताती है कि शेंचे जो है उसका कार एक्सीडेंट हो गया था जब वो पिछली बार उसे हेल्प कर रही थी। त्याने जो होता है वो इस बात पे बहुत ही गिल्टी फील करता है और शेंचे को वो मिल की ट्रीट देता है। वो शेंचे को बताता है कि उसकी मदर जो है वो जिंदा नहीं है और उसके पापा जो हैं उसकी ड्रीम्स के लिए उसे सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन वो कभी भी गिवअप नहीं करेगा। तो शेंचे जो होती है उसके एटीट्यूड को लाइफ के प्रति देख के बहुत ही ज़्यादा एग्री करती है। दिखाया जाता है त्याने जो होता है उसके मन में शेंचे के लिए फीलिंग्स होती है तो शेंचे को डिनर के बाद कन्फेस करता है जब उसको घर छोड़ने जा रहा होता है लेकिन शेंचे को समझ नहीं आती है कि वो क्या कह रहा है। तभी दिखाया जाता है दामिंगसी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है कि जो त्याने हैं वो एक झूठा है। वो बताता है कि त्याने जो है वो कोई पुअर स्टूडेंट नहीं है वो इकलौता वारिस है त्यांशी ग्रुप कंपनी का। इस बात को सुनने के बाद शेंचे जो है उसे इग्नोर करती है क्योंकि शेंचे को झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। दिखाया जाता है दामिंगसी जो होता है वो शेंचे के साथ उसके घर वापस जाता है और वो लिविंग रूम में एक दूसरे से फाइट करते हैं। शेंचे की मदर जो होती है वो दामिंगसी को काफ़ी पसंद करती है और उसे कहती है कि वो आज उनके साथ ही यहाँ पर रहे। दिखाया जाता है दामिंगसी जो होता है वो शेंचे के बगल में सोता है। दिखाया जाता है जैसे ही शेंचे सो जाती है तो दामिंगसी उसके चेहरे पे अपनी उंगली से पोक करता है और बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है। अगले ही सुबह का सीन दिखाया जाता है। दामिंगसी जो होता है वो हाफ अंड्रेस होता है और वो बाथरूम में घुस जाता है जहाँ पर शेंचे पहले से ही होती है। वो एकदम से उसे देख के डर जाती है और वो खुद को कवर करती है बाथ टॉवल से। तो दामिंगसी जो होता है वो उसे अपनी एब्स दिखाता है। वहीं दिखाया जाता है कि दामिंगसी जो होता है वो शेंचे को मिंगते यूनिवर्सिटी में लेके जाता है जहाँ पर वो सबको शॉक कर देता है और बताता है कि शेंचे जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जिस बात को सुन के शेंचे जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करती है और वहाँ से चली जाती है लेकिन कोई इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आता है। क्लास के एंड होने के बाद कोई जो होता है अभी भी बहुत ही डिप्रेस नज़र आता है। इस तरह के कोई को देख के लिंजर जो होती है वो कोई को दिलासा देने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है दामिंगसी जो होता है उस जगह पर जाता है जहाँ पर F4 जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं लेकिन वो देखता है कि वो खाली है तो वो जेमिन को फ़ोन करता है लेकिन जेमिन उसे बताता है कि वो लंदन चले गए हैं। तो उसकी बात सुन के दामिंगसी जो होता है वो कहता है कि वो सांगी वापस आ गया है उन्हें भी आ जाना चाहिए। तो तभी जेमिन कहता है कि वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो हौसले के साथ दोस्ती नहीं कर रहा है। तो वहीं इस बात को सुन के दामिंगसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि उसे बहुत सारी बातें हैं जो हौसले से करनी हैं। दिखाया जाता है तीनों बॉयज़ जो हैं उसे दिख जाते हैं जो स्टेयरकेस के ऊपर खड़े होते हैं। तो दामिंगसी जो होता है वो हौसले से अपोलोजाइज करता है उससे माफ़ी मांगता है उनके बीच में दोबारा दोस्ती हो जाती है। तभी दिखाया जाता है दामिंगसी का वीडियो कॉल आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है कि दामिंगसी जो है वो सांघे चला गया है बिना उसे बताए हुए। दामिंगसी जो होता है वो अपनी बहन दामिंगसी से बात करता है जो उसे कहती है
कि उस सरदर्दी तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ की है कि जो दामिंग सी की मदर है दामिंग फैंग, वो वापस संघाई आने वाली है अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और वो बताती है कि उन्हें इस ऑर्डिनरी सेंचे जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इस खबर को सुनने के बाद दामिंग सी जो होता है वो तरह तरह के तरीके ढूंढता है इंटरनेट पे कि किस तरह से वो संचय को बहुत ही ज़्यादा एक एलिगेंट लड़की बना सकता है अपनी मदर के सामने, ताकि उनकी मदर को पसंद आ सके। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किचन में त्यानी जो होता है वो अपोलोजाइज करता है संचय को कि उसने उससे झूठ बोला, जिसको सुनने के बाद संचय जो होती है वो गुस्सा नहीं होती है उससे, और वो सोचती है कि वो ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो गई थी। दिखाया जाता है संचय अपने घर वापस आती है और देखती है कि उसकी मदर जो है वो रो रही हैं, क्योंकि उसके फादर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूब गए हैं। इसीलिए उसकी मदर जो है उसके पापा को डिवोर्स करने के लिए कहती है। दिखाया जाता है सब कुछ जानने के बाद दामिंग सी जो होता है वो उन्हें अपना क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन संचय जो होती है उसे वापस कर देती है और वो कहती है कि वो उसके पैसे यूज़ नहीं कर सकती है। वहीं दामिंग सी कहता है कि वो जो पैसे उसे दे रहा है वो सिर्फ बोरो करने के लिए दे रहा है, और वो उसे कहता है कि वो चाइनीज़ कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि जो कुकिंग कॉम्पिटिशन होता है वो दामिंग सी की मदर स्पॉन्सर कर रही होती है। इसीलिए दामिंग सी सोचता है एक तो संचय को मिलियन युआन भी मिल जाएगा बोनस में, और साथ ही उसकी मदर का अप्रूवल भी मिल जाएगा। और साथ ही दामिंग सी कहता है कि जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उसके लिए संचय उसे किस करेगी। दिखाया जाता है संचय जो है उसे फर्स्ट टाइम किस ऑफर करती है, जिसके बाद दामिंग सी जो होता है वो काफ़ी अच्छे मूड में आ जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो दामिंग सी की मदर स्पॉन्सर कर रही होती है। इसलिए दामिंग सी जो होता है वो चाहता है कि उसकी मम्मी जो है वो संचय को जाने, और साथ ही वो दामिंग जुआ अपनी बहन को कहता है कि उसके प्लान में शामिल हो और संचय की मदद करे कि किस तरह से वो जीत सकती है इस कुकिंग कंपटीशन में। तो ये सब चीज़ें संचय को समझ नहीं आती है, तो दामिंग जुआ जो होती है उसे पोइट्री की किताब देती है और उसे कहती है उसे पढ़ने के लिए। दिखाया जाता है दामिंग सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है संचय को लेके, क्योंकि उसे लगता है कि संचय जो है बहुत ही टफ लड़की है। दामिंग जुआ जो होती है उसे कुछ डिशेज बताती है और संचय कहती है वो उन्हें ज़रूर याद करेगी। आता है संचय जो है वो कुकिंग स्किल को सीखती है दामिंग जुआ से और उसी के घर पर सोती है। दामिंग सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्लीज नज़र आता है जब वो संचय को सोते हुए देखता है उसके लुक्स को। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संचय जो है वो कुक करती है कुछ डिशेस, और दामिंग सी को लगता है कि उसकी डिशेस काफ़ी अच्छी टेस्ट कर रही हैं। लेकिन दामिंग जुआ अपने भाई को कुछ एडवाइस देने को कहती है उसे। दिखाया जाता है संचय जो है अपनी डिश सेस्मे बॉल को ले जाती है और कुहीं और लेंजे को टेस्ट कराती है। कुहीं और लीजेंड जो होते हैं वो स्केयर्ड हो जाते हैं उसके स्टाइल को देख के, क्योंकि उसे ट्रेन किया होता है दामिंग जुआ ने। वहीं दूसरी ओर त्याने जो होता है वो संचय को कहता है कि वो कंपटीशन को ज्वाइन ना करे, और उसे बताता है कि जो उसकी कॉम्पिटिटर है वो जुआ सेना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ कॉम्पिटिटर है उसके लिए। वहीं दामिंग सी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर संचय जो होती है वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वो अपना सारा का सारा लगेज जो है वो पैक करती है, लेकिन दिखाया जाता है दामिंग सी जो होता है वो संचय को कहता है कि जिस संचय को वो जानता है वो इस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं है, जिसको सुनने के बाद संचय को थोड़ा बुरा फील होता है। दिखाया जाता है कि दामिंग सी जो है वो संचय को रेस्ट के लिए ले जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि संचय जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। दिखाया जाता है दामिंग सी और संचय दोनों के दोनों ब्रिज का गेम खेलते हैं, और दिखाया जाता है संचय उसमें हार जाती है, इसीलिए वो उसके चेहरे पे पिक ड्रॉ कर देता है। दामिंग सी जो होता है वो संचय से पूछता है कि संचय जो है वो अनडिफीटेबल है, उसे डिफीट नहीं किया जा सकता जब उसे ब्रिज का गेम खेलना हो, लेकिन वो क्यों डरती है कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से। दिखाया जाता है वो पूरी की पूरी मिडनाइट तक गेम खेलते रहते हैं और एक साथ सो जाते हैं। दामिंग सी जो होता है वो उसके चेहरे की तरफ देख के, जो कि ड्राइंग बनाई होती है, वो हंसता है
और उसकी फोटोज़ ले लेता है ताकि वो अपनी वॉल पे चिपका सके। दामिंगजुआ जो होती है वो बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आती है सेंचे के बारे में, क्योंकि जो चाइनीज़ कुकिंग होती है उसको मास्टर नहीं किया जा सकता है थोड़े समय में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसे प्रेस करती है जब वो टेस्ट करती है उसका रोस्ट चिकन। वहीं दूसरी तरफ त्याने जो होता है वो सेंचे से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे क्विट करने को कहा था इस कॉम्पिटिशन से, और उसे कहता है कि वो अब गिव अप ना करे, क्योंकि सेंचे के साथ दामिंगसी होता है इसीलिए त्याने जो होता है उसे ब्लेस करता है एज अ फ्रेंड। दिखाया जाता है सेंचे अपने पेरेंट्स को बताती है कि वो कुकिंग कंपटीशन को ज्वाइन करने वाली है, तो इसीलिए उसके पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है। वहीं कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है, सेंचे जो होती है वो जोआ सेना को देखती है कॉम्पिटिशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और कॉन्फिडेंट नज़र आती है। दिखाया जाता है F4 जो होते हैं वो सेंचे को चेयर अप करने जाते हैं ऑडिटोरियम में। जो पहली डिश होती है वो सेमर क्यूजीन की होती है, इसीलिए सेंचे जो होती है वो चूज़ करती है कि वो ब्रेस्ड मीटबॉल को बनाएगी ब्राउन सॉस के अंदर। सेकेंड डिश जो होती है वो फास्ट हैंड क्यूजीन की होती है, इसीलिए सेंचे जो होती है वो चूज़ करती है क्रिस्टल रिवर श्रिम्प्स। दिखाया जाता है सेंचे को जजेस जो होते हैं वो प्रमोट कर देते हैं नेक्स्ट लेवल में जैसे ही वो उसकी डिशेस को रिव्यू करते हैं। दूसरे सेक्शन की बारी आती है जो कि डेजर्ट की होती है। जोसेना जो होती है वो वाटर लिली क्रिस्प बनाती है, वहीं सेंचे जो होती है वो डोंग शुगर कुक करती है, और सारे के सारे जजेस जो हो जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मूव नज़र आते हैं जब वो सेंचे की स्टोरी सुनते हैं डेजर्ट के बारे में। दामिंगसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा थ्रिल नज़र आता है और वो जंप करता है जब वो देखता है कि सेंचे जो है वो फाइनल में पहुंच गई है, और जो बाकी के प्लेयर्स जो फेल हो जाते हैं वो सोचते हैं कि सेंचे जो है उसने जजेस को घूस दी है। जाओ सेना जो होती है वो उनके साथ आर्ग्यू करती है। अगले ही राउंड में प्लेयर्स को जो होती है अपनी डिश कुक करनी होती है 45 मिनट्स में। दामिंगजुआ जो होती है वो बहुत ज्यादा चिंता में नजर आती है सेंचे को लेके। वहीं दिखाया जाता है सेंचे जो होती है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या डिश बनाए। दामिंगसी जो होता है वो स्टेज के पास आता है और वो उसको चेयर अप करना चाहता है, लेकिन उसे जो गार्ड्स हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। तो दिखाया जाता है दामिंगसी जो होता है वो 100 ड्रॉ करता है और उसे दिखाता है। वहीं सेंचे को लगता है कि दामिंगसी जो है वो उसे याद करा रहा है उसके उधार के बारे में, जो कि 10,000 रियोन होता है, जो कि उसे समझ आ जाता है। दिखाया जाता है गार्ड जो होते हैं उसे ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे चेयर अप करता हुआ नजर आता है। दिखाया जाता है सेंचे जो होती है वो 2 पाइनएप्पल अपने इंग्रेडिएंट्स में चुनती है। जोसेना जो है वो कुक करती है वैंगचैंग चिकन। वहीं लोगों को लगता है कि जो सेंचे की डिश है बबाओ स्पाइसी नूडल वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, और जजेस जो हैं उससे पूछते हैं कि उसने उस डिश में पाइनएप्पल का यूज़ क्यों किया है। तो वहीं सेंचे जो है वो बताती है कि वो उसके लाइफस्टाइल में से आती है। वहीं दिखाया जाता है जेमिन जो होता है उसे पता होता है कि सेंचे जो है उसे मोटिवेशन मिला है दामिंगसी के बालों से, तभी उसने पाइनएप्पल को अपना एक इंग्रेडिएंट बनाया। ऑल्दो सेंचे जो होती है वो चैम्पियन नहीं बनती है कॉम्पिटिशन की, लेकिन उसे प्राइज मिलता है एक स्पेशल जो कि 5,00,000 युआन का होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शुक्रिया करती है दामिंगसी का, क्योंकि अगर वो नहीं होता शायद उसकी हेल्प के बिना वो कभी भी नहीं जी पाती। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर दामिंगजुआ जो होती है वो ट्रीट करती है डिनर और सेलिब्रेट करती है सेंचे के लिए। सेंचे जो होती है वो कुक करती है बबाओ स्पाइसी नूडल अपने दोस्तों के लिए। दिखाया जाता है दामिंगसी जो होता है उसकी तरफ स्टेयर करता है और उसे डेट के लिए पूछता है। सेंचे जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस नज़र आती है और वो जामिन को पूछती है कि वो उसके साथ चले, लेकिन वो बताता है कि उसकी जो है वो अपॉइंटमेंट है, तो इसीलिए सेंचे जो होती है वो दामिंगसी की रिक्वेस्ट को मान लेती है और वाइन को पीती है। दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा पी लेती है, उसके बाद वो सो जाती है अपने घर में। सेंचे के जो पेरेंट्स होते हैं
उसकी जो डिश होती है बबाओ स्पाइसी नूडल को स्पेशलिटी बनाते हैं अपने रेस्टोरेंट की। वो टकरा जाती है मिस वांग के सन से, जिसका नाम जाओ लॉन्ग होता है। मिस वांग जो होती है वो सेंचे को कहती है कि वो उसके बेटे का ध्यान रखे एक दिन के लिए। एक कंपटीशन के बाद अगले ही दिन सेंचे जो होती है उसे डेट पे जाना होता है दामिंगसी के साथ। लेकिन दामिंगसी ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेंचे डेट पे लेट होगी। वो इसीलिए लेट होती है क्योंकि टेम्परली वो अपने नेबर्स के बेटे जालोंग का ख्याल रख रही होती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो सेंचे के साथ उस छोटे बच्चे जालोंग को देखता है, दामिंगसी टेम्परली थोड़ा सा अनॉयड जरूर होता है और वो अपने प्लान जो है डेट के वो जू के लिए फिक्स कर देता है जालोंग को देखते हुए। दिखाया जाता है शुरुआत में वो तीनों एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल होते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो ऐसे नजर आते हैं कुछ ही समय बाद कि वो तीनों आपस में फैमिली मेंबर हों। दिखाया जाता है पूरा दिन जू में खेलने के बाद जालोंग जो होता है फाइनली टायर्ड हो जाता है और उसे नींद आ जाती है। दामिंगसी जो होता है वो इनिशिएटिव लेता है और उसे उठाता है और वहीं दूसरे हाथ से वो सेंचे के हाथ को पकड़ता है। वहीं सेंचे जो होती है वो दामिंगसी से पूछती है कि उसने उसके लिए इतनी सारी चीज़ें क्यों की, कि उसने उसकी हेल्प की पैसों से, कंपटीशन में उसकी हेल्प की। तो जिसे सुनने के बाद दामिंगसी जो होता है वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है, लेकिन वो और भी ज़्यादा अनॉयड तब हो जाता है जब वो लिटिल ड्रैगन जो है वो अपनी पैंट में यूरिन कर देता है, जिसकी वजह से दामिंगसी जो होता है उसे नीचे रख देता है गुस्से में। दिखाया जाता है घर जाने के बाद जालोंग जो होता है वो रोता है अपनी गीली पैंट को देखते हुए, तो सेंचे जो है वो उसे मनाती है और इसे एक स्ट्रॉबेरी का केक देती है, जिसकी वजह से जालोंग जो होता है वो दोबारा खुश हो जाता है। तभी जालोंग जो है वो सेंचे को बताता है कि जब दामिंगसी ने उसे उठा रखा था तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके फादर ने ही उसे उठा रखा हो। सेंचे जो होती है उसे गिल्ट फील होती है इसके बारे में सुनने के बाद, क्योंकि उसे पता है कि दामिंगसी जो है वो हमेशा से ही बहुत ही अच्छा है उसकी तरह। वही रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर त्याने जो होता है वो केयरफुली एक्सप्लेन कर रहा होता है खाने के बारे में गेस्ट को रेस्टोरेंट में। जाओ सेना जो होती है वो एंट्रेंस पे खड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा टच नज़र आती है, लेकिन परहैप्स दिखाया जाता है त्याने जो होता है उसकी लाइफ डिफरेंट होती है उससे, इसीलिए जाओ सेना जो होती है वो सोचती है कि इस बात को रहने दिया जाए। जाओ सेना जो होती है वो फाइनली वहाँ से जाने की कोशिश करती है, तभी मिंजुआ जो है वो उसे अप्रोच करता है और प्लान करता है कि उसे एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर बनाया जाए। दिखाया जाता है मिंजुआ जो है वो जाओसेना को बार के लिए इनवाइट करता है और उस टाइम वो जाओसेना को काफ़ी ज़्यादा प्रेस करता है उसकी कुकिंग स्किल्स के लिए और वो उसका फ्रेंड बन जाता है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है एफोल जो होते हैं वो दामिंगसी को देखते हैं और उसके पिछले दिन की सिचुएशन के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि दामिंगसी जो होगा वो इम्पेशेंट हो गया होगा, जो कि सबको पता होता है, और वो संचय से ज़रूर उसने लड़ाई की होगी। इसीलिए एफोर जो होते हैं वो इनिशिएट उठाते हैं कि वो जो हैं वो ट्रिप को प्लान करेंगे। उसी दौरान दिखाया जाता है सेंचे जो होती है वो काम कर रही होती है टी शॉप पे जावी के साथ और वो पूरा टाइम चुप नज़र आती है अपनी पिछले दिन की डेट के बारे में और वो बहुत ज़्यादा वर्ड नज़र आती है अपने परफॉर्मेंस को लेकर टी शॉप में। तभी दिखाया जाता है उसी टाइम हौजले जामिन और मिंजुआ जो होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, जिनको देखने के बाद जावी जो होती है वो हमेशा जामिन को एडमायर करती है और उसके देख के ब्लश करना शुरू कर देती है। दिखाया जाता है वो तीनों जो हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं और वो वहाँ पर हैंडसम सेल्समैन का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो मिल्क टी शॉप होती है वो वहाँ पर पॉपुलर हो जाती है और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और उन्हें 3 महीने की सेल एक साथ मिल जाती है। दिखाया जाता है सेंचे को जो है वो बोनस मिलता है और सेंचे उन्हें ऑफर करती है, इनवाइट करती है कि वो उनके साथ खाना खाए एज अ रिवॉर्ड, लेकिन वो तीनों जो हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि सेंचे और जावी जो है वो उनके साथ न्यू ईयर के दिन उनके विला पे चले
जो कि कनाडा में है। क्योंकि संचय की लड़ाई जो होती है वो दामिनसी के साथ होती है, इसीलिए वो हेजिटेंट होती है वहाँ पर जाने के लिए। दिखाया जाता है जैसे ही वो घर वापस आती है, संचय जो होती है वो अभी भी हेजिटेंट ही नज़र आती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जामिन जो होता है वो संचय के घर में कॉल करता है और डॉन फैमिली को बताता है इसके बारे में, जिसकी वजह से जो संचय के पेरेंट होते हैं उसको एनकरेज करते हैं और उसे अब्रॉड जाने के लिए कहते हैं। दिखाया जाता है जैसे ही वो फ़ोन रख देते हैं, F4 जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं दामिनसी को। जामिन जो होता है वो डेलिबरेटली टीज़ करता है उसे, ये कह के कि हौसले जो है उसे परस्यू कर सकता है संचय वो फ्यूचर में। जिसको सुनने के बाद दामिनसी जो होता है वो ऑब्वियसली डिसप्लीज होता है, लेकिन वो उसे अपने चेहरे पे नहीं आने देता। अगले ही दिन दिखाया जाता है संचय जो है वो पोस्ट करती है अपनी QQ स्पेस में कि वो जो है वो कनाडा जाने वाली है न्यू ईयर ईव पे। जिसको देखने के बाद दामिनसी जो होता है वो ऑब्वियसली अनॉयड हो जाता है। उसी टाइम जिन्हुआ और लिली जो हैं उस पोस्ट को देखते हैं और वो संचय के पास जाते हैं ताकि वो उन्हें भी अपने साथ ले चले, कि सारे के सारे कनाडा पहुंच जाते हैं। लेकिन संचय ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दामिनसी जो होगा वो उनसे भी पहले वहां पर पहुंच गया होगा, जो कि बहुत ही कामली सबका वेलकम करता है। दिखाया जाता है संचय जो होती है वो स्नोबॉल फाइट करती है जावी के साथ। संचय जो होती है वो काफ़ी खुश नज़र आती है, दामिनसी जो होता है उसे काफ़ी दूर डिस्टेंस से देख रहा होता है। दिखाया जाता है जैसे ही संचय जो है वो डोर से अंदर आती है, दामिनसी जो होता है वो डेलिबरेटली उसकी तरफ एक डीमन की तरह लुक देता है। तभी रात का सीन दिखाया जाता है, संचय जो होती है उसे पता चलता है जावी जो है वो मिसिंग है, वो अपने कमरे में नहीं होती है जब से वो बात लेके आई होती है। वो जिन्हुए और लिली से पूछती है उसके बारे में, तो वो दोनों उससे झूठ बोल देते हैं कि जावी जो है वो बाहर स्नोफॉल में गई है और हो सकता है वो बाहर इस हैवी स्नोफॉल में गुम हो गई हो। जिसको सुनने के बाद संचय जो होती है वो इमीडिएटली चिंतित नज़र आती है और वो बाहर चली जाती है। जिसको सुनने के बाद हौसले जो होता है वो भी उसे फॉलो करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि जावी जो है वो वाइन सेलर में है मिंजुआ और जामिन के साथ। दिखाया जाता है थोड़े ही समय बाद जब दामिनसी को पता चलता है संचय के डिसअपीयरेंस के बारे में, वो हौसले से पूछता है जो अभी अभी वापस आया होता है। लेकिन हौसले को यकीन नहीं होता है कि अब तक संचय वापस नहीं आई है, क्योंकि वो उसके पीछे ही गया था, उसे वो वहाँ पर भी नहीं मिली। वो इसीलिए गई थी क्योंकि जावी जो थी उन्हें लगता था वो स्नोफॉल में गई है, लेकिन वो इंस्टेंट जामिन और मिंजुआ के साथ थी। ये सब देखने के बाद दामिनसी जो है उसे सडनली बुरी फीलिंग होती है और वो क्विकली बाहर चला जाता है। तभी हौसले को सब कुछ समझ आता है, उसे पता चलता है कि लिली और उसकी दोस्त ने संचय से झूठ बोला था। लिली और जिन्हुआ का झूठ पकड़ने के बाद वो दूसरे एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करती हैं, लेकिन उसके बाद वो चुपचाप चेयर पर बैठ जाती हैं। लेकिन हौसले जो होता है उनके चेहरों पर रेड वाइन डाल देता है और उनको डांटता भी है। वहीं बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ संचय जो होती है वो जावी को ढूंढ रही होती है बर्फ़ में। वो 2 घंटे से बर्फ़ में ही होती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ और जो स्पिरिट होता है वो कम होने लगता है। इतनी बुरी सिचुएशन में संचय को दिन याद आते हैं जब वो अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ होती है और वो इमेजिन कर रही होती है कि वो फ्यूचर में किसी से शादी करेगी, लेकिन वो कभी भी ग्रूम का फेस नहीं देख पाती है। संचय जो होती है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हो जाती है। दामिनसी जो होता है वो फाइनली आ जाता है और वो उसे ढूंढ लेता है। दामिनसी से सुनने के बाद कि जावी जो है वो ठीक है, तो संचय जो होती है वो कम्प्लीटली रिलीव नज़र आती है और वहाँ पर सो जाती है। दिखाया जाता है इमिडिएटली दामिनसी जो होता है वो संचय को नियरेस्ट वुडन हट पर ले जाता है, जो कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में होती है, जहाँ पर ना ही कोई बर्निंग स्टोव होता है। दामिनसी जो होता है वो अपनी जैकेट निकालता है और संचय को देता है और साथ में वो आसपास ढूंढता है। तभी दिखाया जाता है दामिनसी को वहाँ पर एक मैच बॉक्स मिलता है, जिससे वो वहाँ पर फायर जलाता है। संचय जो होती है अभी भी कंपकपा रही होती है। दिखाया जाता है दामिनसी और संचय जो हैं वो एक साथ वहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है हौसले जो होता है वो अर्जेंटली सर्च और रेस्क्यू टीम को कॉन्टैक्ट करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी स्नो हो रही होती है बाहर, सर्च और रेस्क्यू टीम भी नहीं कुछ कर पाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे बहुत ही चिंता में नज़र आते हैं।
और जावी जो होती है वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देती है। अगले ही दिन का सीन दिखाया जाता है, सर्च और रेस्क्यू टीम जो है वो दामिंगसी और संचय को ढूंढ लेती है जो कि एक वुडन हाउस में होते हैं। लेकिन संचय जैसे ही उठती है उसे बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होती है। इससे पहले कि संचय कुछ कह पाती, दामिंगसी जो है उसे बहुत ही सीरियस फेस से कहता है कि फ्यूचर में वो ऐसी चीज़ें ना करे जिसकी वजह से उसे चिंता हो। जिसको सुनने के बाद संचय जो होती है वो बहुत ही रिलीफ फील होती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो वुडन हाउस से रिटर्न कर जाते हैं, दामिंगसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है और वो लिली और जिनमुआ को घर से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन संचय जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि उन्हें पनिश किया जाए और वो पनिशमेंट में उन्हें सफाई का काम देती है। वहीं रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब जो हैं वो देखते हैं कि संचय और दामिंगसी जो है वो मिसिंग है। लेकिन इस बार दामिंगसी जो होता है वो संचय के साथ होता है, जहाँ पर संचय जो होती है वो दामिंगसी को शुक्रिया कर रही होती है उसकी हेल्प को लेके। लेकिन दामिंगसी जो होता है वो ये सुनना नहीं चाहता है, इसीलिए वो दोबारा से संचय को अपनी फीलिंग के बारे में कन्फेशन देता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन संचय जो है उसे सुनाई नहीं देता है कि दामिंगसी जो है उसे कन्फेस कर रहा है, क्योंकि उसी टाइम न्यू ईयर सेलिब्रेशन के पटाखे जल रहे होते हैं। दिखाया जाता है इतने अच्छे हॉलिडे के बाद संचय जो होती है अपने घर वापस चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दामिंगसी जो होता है वो अपनी कन्फेशन को लेके बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट नज़र आता है। जैसे ही संचय और जावी जो हैं वो चाइना वापस आ जाते हैं, उन्हें एक इनविटेशन मिलता है अपने ओल्ड क्लासमेट दबाव से मिलने के लिए। इस न्यूज़ के बाद वो दोनों जो हैं वो लुक फॉरवर्ड करते हैं उससे मिलने के लिए, जो कि बहुत लंबे समय से उससे मिले नहीं होते हैं। उसी टाइम जिन जो है वो भी इनिशिएटिव लेती है और हौजले को कॉल करती है। अनएक्सपेक्टेडली उसने अपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कैंसिल कर दिया होता है और इस न्यूज़ की वजह से हौजले जो होता है वो बहुत ही कम खुश नज़र आता है। लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा ऐसी लुक होती है कि वो बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन दूसरी तरफ दामिंगसी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस नज़र आता है और बहुत ही क्यूरियस होता है। वहीं दिखाया जाता है संजय जो है अपनी क्लासमेट्स के साथ मीटिंग अटेंड करती है और उनके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करती है, जिसकी वजह से वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आती है। उसी दौरान उसका क्लासमेट यान जिम्बू जो है वो जोक करता है कि वो और वही जो है उन दोनों का क्रश था उसके ऊपर, लेकिन संजय सोचती है कि वो दोनों जो हैं वो सिर्फ जोक ही कर रहे हैं। दामिंगसी जो है उसे पता चलता है कि संचय, कुही और जायु जो है वो हाई स्कूल रियूनियन पे गए हैं आज, जिसकी वजह से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल नज़र आता है। वहीं दूसरी ओर संचय जो होती है क्लास मीटिंग में एक्सेप्ट कर रही होती है पनिशमेंट, क्योंकि वो गेम हार गई होती है। लेकिन यान जम्बू जो होता है ये सब देखता है और वो एक्टिवली संचय की हेल्प करने की कोशिश करता है और उसे स्टॉप करता है ताकि वो वाइन ना पिए। लेकिन हाउएवर संचय जो होती है उसे रिफ्यूज करती है और वो प्लान करती है कि वो पूरे के पूरे रूल्स फॉलो करेगी गेम की और वो खुद ही उसे पिएगी। लेकिन दिखाया जाता है उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि दामिंगसी वहाँ पर आ जाता है और उससे वो वाइन का ग्लास स्नैच कर लेता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। दामिंगसी की बातें सुनने के बाद संचय जो होती है ऑब्वियसली डिससेटिस्फाइड होती है। वहीं दूसरी ओर यान जम्बू जो होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है संचय के लिए और वो संचय के शोल्डर्स पे हाथ रखता है, जिसकी वजह से दामिंगसी जो होता है वो यान को टारगेट करता है, जिसे दामिंगसी जो होता है वो पीट देता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इस सीन को देखने के बाद संचय जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है और वो दामिंगसी को बहुत ज़्यादा स्कोल करती है, इवन उसे चेहरे पे स्लैप भी कर देती है, जिसकी वजह से दामिंगसी जो होता है वो चुपचाप खड़े होके सुनता रहता है। दिखाया जाता है घर लौटने के बाद संजय जो होती है वो अभी भी बहुत ही गुस्से में होती है और वो नहीं चाहती है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो दामिंगसी के घर पे विजिट करें। इसीलिए इमिडिएटली संचय जो है वो हॉस्पिटल जाती है और यानजी के लिए गिफ्ट लेके जाती है, जहाँ पर वो उसके हाफ ब्रदर से मिलती है जिसका नाम शुनपिंग होता है। कोइंसिडेंटली शुनपिंग जो होता है वो भी स्टडी कर रहा होता है मिंगदे यूनिवर्सिटी में। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है दामिंगसी जो होता है वो ट्रेनिंग के अंडर
पार्टिसिपेट करता है जो कि जामिन और हौजले दे रहे होते हैं कि वो किस तरह से संजय से अपोलोजाइज कर सकता है। लेकिन चाहे वो कुछ भी करे, कितना भी हार्डवर्क करे, दामिंगसी का जो ट्रू फेस होता है वो हमेशा रिवील ही हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसे संजय इग्नोर कर रही होती है तो दामिंगसी को प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। दिखाया जाता है विंटर वेकेशन के बाद F4 जो है वो स्कूल में अराइव करते हैं। दामिंगसी को पता चलता है क्यूहे से कि यान जंबू जो है वो रिकवर कर चुका है। उसी समय संजय जो है वो दामिंगसी से मिलती है जो उसे वो इग्नोर कर देती है। दामिंगसी जो होता है इतना करेज इकट्ठा करके उसे अपोलोजाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ गलत ही होता है उसके लिए। दिखाया जाता है स्कूल के बाद संजय जो होती है वो लाइब्रेरी में अकेले आती है बुक्स को बोरो करने के लिए, लेकिन वो रीच नहीं कर पाती है सबसे ऊपर वाली बुक पे। फॉर्चुनेटली वहां पर उसे शुनपिन मिलता है जो उसे हेल्प करता है बुक्स लेने में। संजय जो होती है वो शुनपिन से यानबू की सिचुएशन के बारे में पूछती है, तो वहीं शुनपिन को पता चलता है कि असली वजह क्या थी उसके भाई को चोट लगने की, जो कि दामिंगसी था। वहीं दूसरी तरफ दामिंगसी जो होता है उसे F4 जो है वो कहते हैं कि अपोलोजाइज करने के लिए। वहीं इस पीरियड के दौरान संजय जो होती है उसे पता चलता है कि शुनपिन जो है उसकी तरफ काफी क्लोज अटेंशन पे कर रहा है, लेकिन संजय जो होती है वो सिर्फ इसको एक फ्रेंडशिप ही समझ रही होती है। दिखाया जाता है संजय और शुनपिन को क्लोज देखते हुए दामिंगसी जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो कहता है कि वो शुनपिन को लेसन टीच करेगा। लेकिन वो संजय को देखते हुए अपनी जो फिस्ट होता है उसे नीचे कर लेता है। संजय जो होती है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आती है जब वो दामिंगसी का इतना ज्यादा स्ट्रांग डिजायर देखती है और वो वहां से चली जाती है। दिखाया जाता है संजय को जाते हुए देख के दामिंगसी जो होता है उसे बहुत ही डीप गिल्ट फील होती है और वो जोर से अपने प्यार का इजहार करता है संजय के लिए, इस समय बिना किसी हेजिटेशन के। संजय को भी इस बार पहली बार दामिंगसी की फीलिंग बहुत ही क्लियरली सुनाई देती है। एंड में संजय जो होती है वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और उसे शुनपिन जो होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। इस पीरियड के दौरान जब संजय जो होती है दामिंगसी से गुस्सा होती है, दामिंगसी जो होता है बहुत ही उदास नजर आता है और हमेशा ही उसके दोस्त जामिन और हौजले उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो संजय से माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ शुनपिन जो होता है वो डेलिब्रेटली इंट्रोड्यूस करता है संजय को स्कूल के बाहर ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ और वहां से चला जाता है पानी खरीदने के लिए। दिखाया जाता है वो संजय को अकेला ही वहां छोड़ जाता है और कुछ देर बाद वहां पर संजय को बहुत बड़ा ग्रुप जो है लोगों का वो बांध के ले जाता है। दिखाया जाता है वेयर हाउस का सीन जहाँ पर संजय को चेयर के साथ बांधा होता है जहाँ पर वो मूव नहीं कर पाती है। तभी संजय को पता चलता है वहाँ पर कि शुनपिन जो है उसने डेलिब्रेटली ये सब ड्रामा जो था वो डिज़ाइन किया हुआ था। शुनपिन जो है वो अप्रोच करता है उसे डेलिब्रेटली ताकि वो संजय को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, बस वो चाहता था कि वो उसे मना सके ताकि वो दामिंगसी को छोड़ दे। इमिडिएटली उसके ही बाद शुनपिन जो होता है वो सबको सपोर्ट करता है और संजय को सेपरेटली बताता है कि उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब से वो छोटा सा बच्चा था, और वो कहता है कि वो एल्डेस्ट ब्रदर को जानता था इस अंडरवर्ल्ड के जब वो स्कूल नहीं जाता था और वो नहीं चाहता था कि उसके भाई को कोई इंटरप्ट करे जिसे चोट लग जाती है दामिंगसी की वजह से। तो कहता है अब दामिंगसी को इसका प्राइस पे करना ही पड़ेगा। उसके शब्दों को सुनने के बाद संजय जो होती है उसे बिलीव नहीं करती है क्योंकि दामिंगसी भले ही ओवरवेयरिंग हो लेकिन वो बहुत ही ब्राइट है। उसकी स्टुपिडिटी की वजह से ये लोग जो हैं उनको चांस मिल गया है कि वो दामिंगसी को हर्ट कर सकते हैं। उस मोमेंट पे संजय सोचती है कि काश दामिंगसी जो है उसे बचाने ना आए, क्योंकि वो सोचती है कि वो मेरी ही करनी का फल है। उसी समय जामिन मिंजुआ और हौजले को पता चल जाती है संजय के डिसअपीयरेंस की खबर और उन्हें पता चलता है कुंही से कि जो संजय है उसे शुनपिन ले गया है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शुनपिन जो था वो तो स्कूल में ही था सुबह। इमिडिएटली उसके बाद वो तीनों जो हैं वो दामिंगसी के घर जाते हैं और उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं।
दामिनसी जो होता है उसे किडनैपिंग की फ़ोटो मिलती है रॉबर्ट से और वो संचय को बचाने अकेला ही चला जाता है। दिखाया जाता है दामिनसी को आते हुए देख के संचय जो होती है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नज़र आती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि दामिनसी को किसी भी तरह की चोट लगे उसकी वजह से। लेकिन जो रॉबर होते हैं उन्हें भी पता होता है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अकेले ही दामिनसी का मुकाबला करें, इसीलिए वो दामिनसी को कंट्रोल करते हैं संचय को थ्रेटन करके। दामिनसी नहीं चाहता है कि संचय को कोई भी हार्म हो, इसीलिए दामिनसी जो है उनकी पिटाई खा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि संचय को कोई भी हार्म हो। दिखाया जाता है दामिनसी को ब्लड को वॉमिट करते हुए। जब संचय देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक नज़र आती है और वो उसकी तरफ रश करती है और वो ब्लॉक करती है अपनी वीक बॉडी से एक ब्लो जो कि दामिनसी की तरफ आ रहा होता है, जिसकी वजह से संचय जो होती है वो वहाँ पर गिर जाती है। दिखाया जाता है उसको सेफली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैसे ही संचय को होश आता है वो अपनी चिंता ना करते हुए भागते हुए दामिनसी को देखने जाती है। जैसे ही वो दामिनसी के वार्ड में जाती है तो उसकी बॉडी जो होती है वो एक सफ़ेद कपड़े से ढकी होती है। मिंजुआ हॉजले और जामिन जो होते हैं वो बहुत ही दुखी नज़र आते हैं। संचय जो होती है उसका हार्ट ब्रोक हो जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से आंसू बहाने लगती है, जिसको देखने के बाद दामिनसी जो उसके पास ही पड़ा होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। संचय को पता चलता है कि सब ने मिलकर उसके ऊपर प्रैंक किया है, जिसकी वजह से संचय जो होती है वो दामिनसी को मारती है। लेकिन दिल से वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आती है कि दामिनसी जो है वो वहाँ पर अभी भी उसके सामने है। जिनको देखने के बाद हौजले मिंजो और जामिन जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। दामिनसी जो होता है वो संचय को कहता है कि वो उसकी हर दिन टेक केयर करे, लेकिन संचय जो होती है उसे रिफ्यूज़ कर देती है। दिखाया जाता है उसी समय शिनपिन जो होता है उन्हें सडनली विजिट करता है। दामिनसी जो होता है सडनली खड़ा हो जाता है और वो संचय को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इस बार शिनपिन जो होता है उसको ट्रैवल करने नहीं आया होता है, वो वहाँ पर अपोलोजाइज करने आता है संचय को, इससे पहले कि वो खुद को सरेंडर कर देता। लेकिन संचय जो होती है उसे ईजिली फॉरगिव नहीं करती है, जिसने दामिनसी को हर्ट किया होता है। शिनपिन जो होता है वो कहता है कि वो उसे असलियत में चाहता अगर वो दामिनसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती। सारे के सारे मैटर से डील करने के बाद जो F4 के मेंबर्स होते हैं दोबारा वार्ड में आते हैं, वो बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द दामिनसी के बारे में कहते हैं ताकि वो उन दोनों को मैचअप कर सकें, और वो प्रेस करते हैं संचय को स्टेप बाय स्टेप दामिनसी की आर्म्स में, जिससे संचय जो होती है वो बहुत ही शाई नज़र आती है। संचय जैसे ही रिकवर हो जाती है अपनी इंजरी से और वो संचय को इनवाइट करता है अपनी बर्थडे डिनर पे, और साथ में वो कहता है कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा ताकि वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर सके संचय को अपनी मदर दामिंग फैंग के साथ। जिसको सुनने के बाद संचय जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अभी उसने फॉर्मली इस्टेब्लिश भी नहीं कर रखी होती है रिलेशनशिप दामिनसी के साथ, और साथ में उसे ये भी चिंता होती है कि आखिर वो दामिनसी के लिए बर्थडे गिफ्ट क्या ले जाए। लेकिन उसकी दोस्त जावी जो है उसे हेल्प करती है और उसे सजेस्ट करती है कि संचय जो है अपनी कुकिंग स्किल का यूज़ कर सकती है और दामिनसी के लिए कोई स्नैक्स बना सकती है। संचय जो है वो कुकीज़ बनाना शुरू कर देती है दिन रात ताकि वो सरप्राइज कर सके दामिनसी को। दिखाया जाता है अगले ही दिन बर्थडे होता है दामिनसी का। संचय जो होती है बहुत केयरफुली ड्रेसअप करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बदनाम करे जामिन और हौजले के ब्यूटीफुल काम को, और साथ में ताकि संचय जो है वो बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो है वो बना पाए दामिनसी की मम्मी दामिंग फैंग पे, जो 3 मेंबर्स होते हैं F3 के, वो स्पेशली संचय को शुरुआत से आखिरी तक एफर्ट लगाते हैं ताकि वो एक बहुत ही एलिगेंट लेडी जो है वो नज़र आए। सारी की सारी अरेंजमेंट ख़त्म होने के बाद संचय जो होती है वो स्लोली वॉकअप करती है बर्थडे पार्टी पे, और वो सीन जो होता है बिल्कुल मूवी जैसा होता है। लेकिन संचय जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज नज़र आती है अपनी इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, जो कि उसके दिल के अंदर ग्रो अप हो जाती है, और वो साथ में ये भी सोचती है क्या उसका लाया हुआ प्रेजेंट जो है
वो एक्सेप्टेबल भी है या नहीं। दिखाया जाता है डिस्प्यूट के दौरान संचय जो होती है वो एक्सीडेंटली गिर जाती है और जो सीन होता है वो काफ़ी एम्बैरसिंग होता है। दामिंग फैन जो होती है वो देख लेती है और उसके ऊपर संचय का जो इम्प्रेशन होता है वो कुछ अच्छा नहीं होता है। साथ में दामिंग फैन जो होती है वो संचय की ऑर्डिनरी फैमिली सिचुएशन को टॉन्ट भी करती है और साथ में उसके लिए काफ़ी टफ प्रिपरेशन बनाती है। दिखाया जाता है संचय को देख के दामिंग से जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्लेजेंट दिखता है और वो शो करता है कि संचय जो है वो उसकी फेवरेट पर्सन है। और दिखाया जाता है जितने भी F4 मेंबर्स होते हैं वो उसकी साइड में आ जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी प्ले करते हैं और झूठ बोलते हैं दामिंग फैंग से कि संचय जो है वो काफ़ी रिच है। दामिंग फैंग जो होती है उसे डाउट हो जाता है संचय को लेके और वो उसे पियानो प्ले करने के लिए कहती है पब्लिक में ताकि वो अपनी एजुकेशन के बारे में सबको दिखा सके, जिसकी वजह से सारे के सारे वहाँ पर नर्वस हो जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता संचय जो होती है वो वहाँ पर इतना अच्छा म्यूज़िक बजाती है, वो इतनी अच्छी ब्यूटीफुल मोमेंट होती है कि सब उसे एक्नॉलेज करते हैं उसकी हम्बलनेस और ऑर्डिनेस को। लेकिन साथ में दामिंग फैन जो होती है वो खुद को हेल्प नहीं कर पाती है और हंसने लगती है और वो कहती है दामिंग सी को कि वो संचय को छोड़ दे। लेकिन दामिंग सी जो होता है वो काफ़ी टफ नज़र आता है, वो संचय का हाथ पकड़ता है और उस अनप्लेजेंट बैंकेट से चला जाता है। दिखाया जाता है उसके बाद दामिंग सी जो होता है वो संचय को रूफटॉप लेके आता है अपने क्लब हाउस की। तभी संचय को बहुत ही क्लियरली नज़र आता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, लेकिन दामिंग सी जो होता है इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है और वो कहता है कि जो उसकी लाइफ है वो ये सब वेल्थ कीप करना नहीं है बल्कि वो चाहता है कि संचय उसके साथ रहे। उसकी कन्फेशन सुनने के बाद संचय जो होती है उसे फिर भी अवॉइड करती है, लेकिन दामिंग सी जो होता है वो संचय को वहाँ से जाने नहीं देता है और उसे हग कर लेता है और साथ में उससे पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है, लेकिन संचय जो है उसे आंसर नहीं देती है। वहीं वो दामिंग सी से पूछती है कि आखिर वो उसे पसंद क्यों करता है। संचय के क्वेश्चन को सुनने के बाद दामिंग सी जो होता है वो खुद को हेल्प नहीं कर पाता है और हंसने लग जाता है और वो कहता है कि उसने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि जो उसका प्यार है जो उसे चाहिए था वो वही है। दिखाया जाता है संचय जो है वो चुपके से कुकीज़ निकालती है ताकि वो दामिंग सी को दे दे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हंग्री होता है। लेकिन दामिंग सी जो होता है वो जब संचय की बनाई हुई कुकीज़ को देखता है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और संचय को इम्प्रेस करता है। दिखाया जाता है वो संचय को किस करता है। वहीं दूसरी तरफ जामिन, मिंजुआ और हौजले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए नज़र आते क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा होता है पावर दामिंग फैंग की हाई स्कूल में, क्योंकि जब वो चारों हाई स्कूल में थे तो उन्होंने स्कूल स्किप किया था तो उस दौरान दामिंग फैंग ने उन सबको एक्यूज़ किया था और कहा था कि वो वर्दी नहीं है कि वो दामिंग सी के दोस्त बन सकें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नज़र आते हैं संचय की ब्रेव परफॉर्मेंस को देखते हुए। संचय जो होती है वो रिटर्न कर जाती है अपने घर में। अगली मॉर्निंग को डोंग के जो पेरेंट्स होते हैं वो गॉसिप करते हैं संचय की रिलेशनशिप के बारे में दामिंग सी से, लेकिन संचय जो होती है वो बहुत ज़्यादा शाई नज़र आती है और कोई आंसर नहीं देती है और अपने रूम चली जाती है और वहाँ पे सो जाती है। वहीं दूसरी ओर दामिंग सी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आता है और वो अपना गिफ्ट दिखाता है जो कि उसे संचय ने दिया होता है हौजले को जो कि सोया होता है। दिखाया जाता है हौजले तो होता है वो उस कुकी को उठा के अपने मुँह में डाल लेता है, लेकिन दामिंग सी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है। वहीं दूसरी ओर दामिंग फैंग जो होती है उसने ऑलरेडी जो होता है इन्वेस्टिगेट कर लिया होता है संचय की सारी सर्कमस्टांसेस को और वो और ज़्यादा डीपर मिसअंडरस्टैंडिंग में चली जाती है संचय के खिलाफ। इमिडिएटली दामिंग फैंग जो होती है वो विजिट करती है डोंग फैमिली को। डोंग के पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि आखिर पिछले कल क्या हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टेड नज़र आते हैं, लेकिन वो क्लोज़र होना चाहते थे दामिंग फैंग के। दिखाया जाता है दामिंग फैंग जो होती है उन्हें चेक देती है 5 मिलियन का ताकि संचय जो है वो दामिंग सी को छोड़ दे। दामिंग फैंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है, लेकिन संचय की मम्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती हैं
और वो दामिंगसे की मम्मी के ऊपर आटा गिरा देती हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील होती हैं। और साथ में जो सेंचे के पापा होते हैं वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं और इंटिमिडेट करते हैं दामिंग फैंग को, जिसकी वजह से दामिंग फैंग जो होती है वो काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दामिंगसे जो होता है वो अपने गिफ्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है और वो मिंजुआ को कहता है कि उसकी फ़ोटो ले इन सारी की सारी बिस्किट के साथ जो सेंचे ने उसके लिए बनाए होते हैं। वहीं दिखाया जाता है दामिंगसे की मम्मी दामिंग फैंग जो होती है, जिन्होंने सेंचे को रिजेक्ट कर दिया था, वो इनिशिएटिव लेती हैं और सेंचे को होटल में बुलाती हैं। लेकिन सेंचे ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मील कर रही होंगी दामिंगसे और उसकी फियांसे के साथ, जिसको देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक नज़र आती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो जाती है जब ये पूरा का पूरा सीन देखती है। और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि दामिंगसे अगले ही पल जाउजी का हाथ पकड़ के रूम से बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से सेंचे जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अशेम नज़र आती है। इनफैक्ट दामिंगसे जो होता है वो सेंचे को बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन वो गलती से जाउजी का हाथ पकड़ लेता है और यह पूरा का पूरा इंसिडेंट हो जाता है। जैसे ही वो देखता है कि वो जाउजी का हाथ पकड़ के बाहर आ गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से जाउजी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा दामिंगसे पे चिल्लाती है, इवन वो उसके शोल्डर पे भी जंप कर जाती है और उसके कान को भी काट लेती है, जिसकी वजह से दामिंगसे जो होता है सडनली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इमिडिएटली दामिंगसे जो होता है वो संचय को कॉल करता है, लेकिन संचय जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आती है और उसके फ़ोन को नहीं उठाती है। अगले ही दिन जब वो मिलते हैं, संचय जो है वो दामिंगसे को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और साथ में उसे एक्यूज़ भी करती है जो भी पिछले कल हुआ। उसके बिहेवियर को देखते हुए संचय जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो आपस में आर्ग्यू कर लेते हैं और साथ में दोबारा से ब्रेकअप भी। दिखाया जाता है संचय जो होती है काफ़ी हरियडली स्कूल के गेट के बाहर जाती है, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि वो जाउजी को फेस टू फेस मिले। लेकिन उसे पता चलता है पिछले दिन के बारे में, जो कि सारे की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दामिंगसे के बारे में। उसी टाइम दिखाया जाता है F4 जो है वो सडनली आते हैं, लेकिन उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाउजी जो है वो अपना एटीट्यूड जो है वो बदल लेगी और वो कहती है कि वो अपनी इस मैरिज को रिजिस्ट करेगी और इंडिकेट करती है कि वो दामिंगसे को पसंद करती है और वो प्लान करती है कि उसके प्यार में पड़ जाएगी दामिंगसे के फियांसे के तौर पे। जिसको सुनने के बाद दामिंगसे जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस नज़र आता है। संजय जो होती है ये सब देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है उसके बाद हेवानजी जो कि दामिंगसे की फियांसे होती है, वो इनवाइट करती है संजय को कॉफ़ी पे और उसे पूछती है सिचुएशन के बारे में, दामिंगसे के बारे में, और साथ में वो अपना प्यार भी दिखाती है दामिंगसे के लिए। जिसको सुनने के बाद संजय जो होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आती है, लेकिन वो उस दुख को अपने चेहरे पे नहीं आने देती है। हेवानजी जो होती है वो संचय का फेवरेट टाइप पूछती है, लेकिन संचय जो है वो कहती है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है दामिंगसे के इमोशन को, और साथ में हेवानजी जो होती है वो उन दोनों का अफेक्शन एक दूसरे की तरफ देख पाती है, लेकिन वो रिफ्यूज़ करती है गिव अप करने को, और साथ में संचय को कहती है उसकी हेल्प करने को ताकि वो दामिंगसे को परस्यू कर सके। और वो कहती है कि अगर दामिंगसे जो है वो एग्री नहीं करेगा तो वो गिव अप कर देगी, और साथ में वो कहती है कि अगर दामिंगसे जो है वो अपना हार्ट बदल लेता है तो इससे यही प्रूव होता है कि हमें इन सब से दूर रहना चाहिए। इसको सुनने के बाद संचय का जो हार्ट होता है वो और भी ज़्यादा डिप्रेस नज़र आता है और वो रूफ टॉप पर जाती है ताकि वो अपना मूड जो है वो अच्छा कर पाए, लेकिन वहाँ जाके वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। लेकिन उसी टाइम जो है हौसले वहाँ पर पहुँच जाता है और वो संचय को इनकरेज करता है और उसे कहता है कि वो अपनी फीलिंग्स को फेस करे। जिसको सुनने के बाद संचय जो होती है अभी भी थोड़ा चिंतित नज़र आती है और वो अपने घर वापस नहीं जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दामिंगसे जो है वो उसके घर के बाहर उसका वेट करे। तभी दिखाया जाता है संचय जो है वो दामिंगसे को बताती है कि वो बहुत अच्छा मैच बनाता है जाउजी के साथ और उसको अपनी मदर की अरेंजमेंट को मान लेना चाहिए और इसी की वजह से वो एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। दामिंगसे जो होता है संचय के शब्दों को सुनने के बाद काफ़ी दुखी नजर आता है और वहाँ से चला जाता है। एम्बैरस्ड दामिंगसे जो होता है वो घर वापस जाता है बिना कुछ शब्द कहे हुए और उसे बातें याद आ रही होती हैं संचय की, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और वो
वॉल के अगेंस्ट पंच मारता है। सेम टाइम पे दिखाया जाता है F4 जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस नज़र आते हैं इमोशनल प्रॉब्लम को लेके जो कि संजय और दामिंगसी के बीच में चल रही होती है, जिसको सॉल्व करने के लिए मिंजुआ और जामिन जो है फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो इनिशिएटिव लेंगे ताकि वो संजय और दामिंगसी को पास ले आ सकें। दिखाया जाता है जैसे ही जावजी चली जाती है, संजय और जावी जो हैं वो जामिन और मिंजुआ को फॉलो करते हैं जो कि खेल रहे थे और साथ में ड्रिंक कर रहे थे रेस्टोरेंट में। उस पीरियड के दौरान जामिन और मिंजुआ जो होते हैं वो बात करते हैं जावजी की विलिंगनेस के बारे में और वो आपस में बात करते हैं कि वो किस तरह से संजय और दामिंगसी को वापस साथ में लेके आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संजय जो है वो दामिंगसी पर गिव अप कर दे और वो ब्लेस कर दे उसे जावजी के साथ, क्योंकि उसे प्रेशर दिया जा रहा था दामिंगसी की मदर के द्वारा। संजय के ट्रबल्स को देखते हुए जामिन और मिंजुआ जो होते हैं वो काफ़ी पावरलेस नज़र आते हैं क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं सपोर्ट करना संजय को मेंटली। सेम टाइम पे दिखाया जाता है दामिंग फैंग जो होती है उसकी अपॉइंटमेंट होती है हौसले के साथ और उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हौसले जो है वो दोबारा संजय को परस्यू करे। हौसले जो होता है वो बिल्कुल भी मूव नहीं नज़र आता है, वहीं दामिंग फैंग जो होती है वो एक्सप्रेस करती है हौसले को कि वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी जो कि कैपिटल चेन में आई है रिसेंटली उसके होम कंपनी में, लेकिन हौसले जो होता है वो अपनी बात से बिल्कुल भी नहीं हिलता है। इसी के साथ एपिसोड की समाप्ति होती है।